बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू जॉइन टू सेंटेंसेस बाय चेंजिंग वन ऑफ देम इनटू एवरेजिंग क्लास। दिस इज क्लास 10th, ग्रामर पोर्शन है। इसके 3 मार्क्स आते हैं एनुअल एग्जाम्स में, जैसे कि ग्रामर क्वेश्चन का पार्ट है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए दो सेंटेंसेस हैं इनको ज्वाइन कीजिए बाय चेंजिंग वन ऑफ देम इनटू लेचू क्लास, इनमें से एक को लेचू क्लास में चेंज कीजिए। ए पार्ट है आई सॉ ए पुलिसमैन, ही हैड लॉस्ट एन आई। सो ये दो क्वेश्चन से इनको मिलाना है। आई सॉ ए पुलिसमैन, इस फुल स्टॉप को खत्म करना है, दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को भी खत्म करना है, तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। रिलेटिव प्रोनाउन के यूज करने से जो दूसरा सेंटेंस है वो ऑटोमेटिकली रिलेटिव क्लास बन जाता है। जैसे आई सा ए पुलिसमैन, आई सा ए पुलिसमैन हु हैड लॉस्ट एन आई। सिंपल, एज सिंपल एज इट लुक्स। यहां फुल स्टॉप खत्म करना है, सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट इसको रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज करना है। रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज करने से ये जो दूसरा सेंटेंस है ये रिलेटिव क्लास बन जाता है। इसका सेकेंड पार्ट है हियर इज द पेन, यू लॉस्ट इट यस्टरडे, द सेम वे डू यू डू इट, हियर इज द पेन दैट यू लॉस्ट यस्टरडे, हियर इज द पेन that you lost yesterday. पहले sentence का full stop खत्म और फिर relative pronoun को use करके second sentence को relative clause बनाना है। Third part है इसमें the man is honest, the man is trusted, the man who is honest is trusted भी चलेगा, the man is honest who is trusted, the man is honest, second sentence का full stop खत्म, यहां पर subject change होगा, इसकी जगह हम you लगाएंगे, who is trusted, who लगाएंगे, तो इस तरह हमने क्या किया, इनको हमने join किया, और join करने से हमने इनका एक sentence जो है, वो relative clause में change किया। relative clause क्या होता है, क्लास होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, समटाइम्स कंप्लीट मीनिंग, समटाइम्स इनकंप्लीट मीनिंग या डिपेंडेंट मीनिंग। फॉर एग्जांपल सीता सिंग्स अ सॉन्ग, इट्स अ वन सेंटेंस, सीता सिंग्स अ सॉन्ग विच इज वेरी ब्यूटीफुल, जब हमने लगाया तो ये इसका दूसरा क्लास आ गया, विच से हमने शुरू किया, इसने रिलेशन दी पहले वाले पार्ट के साथ, तो हम इसको कहते हैं इट्स अ रिलेटिव क्लास। सो होप You guys, आपने इसको समझा, इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी 3 मार्क्स है एग्जाम्स में भी, तो बहुत इजी 3 मार्क्स है। थैंक यू वेरी मच।